लखनऊ अपराधियों के हौसले बुलंद, गाली देने पर दोस्त को मारी गोली, मौके पर ही मौत। अमीनाबाद थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात जूते वाली गली के बाहर मामूली विवाद में 27 वर्षीय विपिन सोनकर के दोस्त लालू शुक्ला ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। मृतक विपिन सोनकर बताया जा रहा है। रात 10:15 बजे विपिन सोनकर अपने पुराने परिचित बताशे वाली गली में रहने वाले लालू शुक्ला के साथ जूते वाली गली के बाहर बैठा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में बहस और हाथापाई होने लगी, जिसके बाद विपिन ने गाली दे दी, जिस पर लालू ने तमंचा निकाल कर उस पर फायर कर दिया। गोली विपिन के सीने के बीचों बीच लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। गोली की आवाज से सनसनी फैल गई। पूरी सब्जी की दुकान पर काम करने वाला देवेश उसे बलरामपुर अस्पताल लेकर भागा। विपिन को बलरामपुर अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर मौके पर एकत्र लोगों ने लालू को दबोच लिया। इस बीच पास ही चौराहे पर मौजूद पुलिस पहुंच गई और लालू को थाने भेज दिया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो लोग हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भिड़ गए। उधर विपिन का शव बलरामपुर अस्पताल से बाहर रखकर धरना प्रदर्शन करने लगे। देर रात तक हंगामा जारी था। देखिए, अमीनाबाद थाना क्षेत्र में जूते वाली गली है, वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक कुछ लोगों के बीच में एक वाद विवाद हुआ बता रहे हैं, उसमें फायरिंग की गई जिसमें एक युवक को गोली लगी है, जिसको यहाँ बलरामपुर चिकित्सालय लाया गया, यहाँ उसकी डेथ हो गई है। इसमें जो परिजनों के द्वारा नाम बताया गया, एक व्यक्ति को नामजद कराया गया है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। हमारी टीम उससे और जो भी संबंधित लोग हैं उनसे पूरी पूछताछ कर रही है। जो घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और बाकी अन्य लोग आसपास के हैं उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं और जो भी चीज़ें निकल के आएंगी इसके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या पुरानी रंजिश के सामने आ रही है कि अचानक कोई विवाद है इसके चलते? नहीं, अभी परिजनों से भी डिटेल बातचीत नहीं हो पा रही है। जो मृतक हैं उनके घर वाले जो हैं या साथ के लोग हैं उनसे डिटेल बातचीत नहीं हो पा रही है। अब उनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी और घटनास्थल के आसपास के लोगों से बातचीत हो रही है, जिसमें बताया गया कि वहाँ पर कोई वाद विवाद हुआ था आपस में। दोनों लोग पूर्व परिचित रहे हैं और इसमें पूरी पूछताछ हम कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे भी देख रहे हैं और जो भी चीज़ें निकल के आएंगे उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में अब तक के कितने आरोपी प्रकाश में आए हैं और एक की गिरफ्तारी कितने की? नहीं, एक व्यक्ति को नामजद कराया गया जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सर, कोई असलाह बरामदगी हुई है? अब अभी पूछताछ हमारी चल रही है, पूछताछ चल रही है इसमें और बाकी सारी कार्रवाई इसमें पूर्ण कर ली जाएगी बहुत जल्दी।